नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। रविवार रात एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम रईका को गिरफ्तार कर लिया। दो दिन पहले राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 5 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था। इसमें रईका के बेटे ट्रेनी उपनिरीक्षक दिवेश और बेटी ट्रेनी उपनिरीक्षक शोभा भी शामिल है। राजस्थान में इस बार मानसून की बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया, जहां 1 जून से 30 सितंबर के बीच 435 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। वहीं इस बार 1 जून से 31 अगस्त के बीच 550 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की बारिश का असर सितंबर के दूसरे हफ्ते तक देखने को मिल सकता है। इसके बाद मौसम भी शुष्क रहने के आसार है। राजस्थान विधानसभा में अब जल्द ही 3 सत्र चलाने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान नवंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। इसको लेकर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अलवर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़ा बयान देते हुए संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा सत्र अधिक चलेगा तो अधिकारियों के विधायकों के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। उनकी कोशिश है कि विधानसभा भी लोकसभा की तर्ज पर चले। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम रईका की गिरफ्तारी पर राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार संघ अध्यक्ष मनोज मीणा ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथ लिया। मनोज मीणा बोले, लगातार संगठन द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर आवाज उठाई जा रही थी। संगठन ने कई बार प्रदर्शन भी किए थे। हमारी सरकार से मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करके दोबारा भर्ती निकाली जाए। वही राजस्थान लोक सेवा आयोग का दोबारा गठन किया जाए। राजस्थान के बैतूल विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हरीश चौधरी ने फैक्ट्रियों के दूषित पानी से परेशान हो रहे ग्रामीणों के धरने का समर्थन किया। वहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय नेताओं पर जमकर निशाना साधा। हरीश चौधरी ने ग्रामीणों से कहा कि आप लोगों को यदि लगता है कि हम धरना प्रदर्शन कर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं तो ये संभव नहीं। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में 75 साल जो काम नहीं हुआ वो काम राजकुमार रोत कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उन पर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। अब जनता सब समझ रही है कि कौन क्या बोल रहा है। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो यही कहूंगा, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, इसलिए प्रदेश की आम आवाम की समस्या पर काम कर लो। आदिवासी इलाके की बात करते हो और हम पर लांछन लगा रहे हो, जबकि इन इलाकों में बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी के खिलाफ जो जाता है उसे ये देश विरोधी बताते हैं। अजमेर एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीमेंट गोदाम के ऑटो चलाने वाले कर्मचारी की शिकायत पर आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद मेघवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के एडिशनल एसपी भागचंद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी कर्मचारी और उसके ठेकेदार के बीच 2,60,000 रुपए के लेन देन का विवाद चल रहा है। ठेकेदार कर्मचारी से 2,60,000 रुपए मांगता है और रुपए नहीं देने पर ठेकेदार ने परिवादी कर्मचारी के टेम्पो को अपने गोदाम पर खड़ा कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले की कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 2019 में भाजपा दिल्ली के नेता राजीव बाबर द्वारा शुरू किए गए मानहानि मामले की चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। बता दूं, राजीव बाबर ने केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं पर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पार्टी दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटाने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मुख्य रूप से बनिया मुस्लिम और अन्य समुदाय प्रभावित हुए हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को जमानत दे दी। उन्हें जमानत देते हुए अदालत ने बताया कि मुकदमे में देरी की वजह से उन्हें जमानत दी जा रही है। वो लगभग 23 महीने से जेल में थे। बता दूं, नायर शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए पहले व्यक्तियों में से एक थे और सीबीआई ने उनकी पहचान मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी के रूप में की। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को ईडी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी आज सुबह उनके आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी और उस पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दूं, अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में हुई। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।